कहना चाहूंगा कि हे हो नहीं बिगाड़ो बिगड़ी जेथो। अच्छा नहीं बिगाड़ो बिगड़ी जेथो, नहीं उजाड़ो उजड़ी जेथो। अरे दोसरा के बनलो घर मिघारबू तोरो अपने मिगड़ी जेथो। बात है वो और आज परिवर्तन हो गया। ये एक जो है समाज का क्या ये क्रांति कहा जा सकता है कि यह एक दोष कहा जा सकता है? यह महादोष है जी। और आपने एक ऐसे नस को छेड़ दिया है जी, जी। जो सत्य बोलने में जरा डरता भी हूँ। अच्छा। पहले की संताने इच्छित संताने हुआ करती थी। क्या बात है कि माता पिता निर्णय करते थे कि आज हम लोग संतानोत्पत्ति करने के लिए संग रहेंगे जी। और यह भावना होती थी जी। एक अच्छे से पत्नियां अच्छे से श्रृंगार करती थी, पति सादगी और सद्भाव में जिंदा रह करके तब संतानोत्पत्ति की कामना से संभोग होता था। आज क्या है, आज की संतानों को मैं, हालांकि अपवाद होता है इसको अदरवाइज ना लिया जाए, लेकिन आज अनिच्छित संतानें हैं। माँ बाप खुद नहीं चाहते कि आज ये मेरे बच्चे हों, अब बच्चे हो जाया करते हैं। जहाँ इच्छित अनिच्छित संतानें होंगी उसका संस्कार अलग होगा, नोट कर लिया कीजिए। क्या बात है, और इच्छित संतान जो है वह अवश्य संस्कारी होगा, वह माता पिता के संस्कार को साथ लेके चलने वाला होगा, और अनिच्छित संतानें जो हैं वो कभी भी इस मापदंड पे खरा नहीं उतर सकते। क्या बात है। तो नहीं, इसके जो संस्कारों में जो ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे तो, और ये तो एक तरह से विडंबना है, तो इससे तो और समस्या ही आने वाली है ना? हाँ हाँ, समस्या, खूब समस्या आने वाली है। इसलिए आपको लौटना होगा अपने वैदिक काल पर जी। आपको लौटना होगा पुरानी परंपराओं पर, आपको याद रखना होगा अपनी संस्कृति को जी। आज ये कोरोना क्या है? कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना का एक शब्द में अगर मैं परिभाषा दूं तो इसकी परिभाषा ये है कि प्रकृति का पुरुष को दी गई सजा है। इतना दुरुपयोग हम लोगों ने प्रकृति का किया कि प्रकृति, और 1000 साल पहले माल्थस हमें ये कह गए हैं कि उनका एक सिद्धांत है माल्थिजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का, उन्होंने कहा है कि जिस तरह इस आदमी की एक कैपेसिटी होती है कि तुम एक मन दो मन एक क्विंटल भार उठा सकते हो, और उससे ज्यादा का भार हुआ तो आदमी चल नहीं सकता, वो बैठ जाएगा। अरे आप गाड़ी को देखें, बैल, उसको ज्यादा लोड कर दें तो बैल बैठ जाता है, वह आगे नहीं चल सकता। तो वही माल्थस ने कहा कि उसी तरह धरती की भी एक क्षमता है कि वह कितना भार उठा सकती है। अगर भार ज्यादा हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि उसका इलाज करे, अपने में उसको मेंटेन करके लेवल बराबर कर दे। और अगर आदमी इसमें फेल करेगा तो प्रकृति चुप नहीं बैठेगी, प्रकृति इसको संतुलित करेगी। और प्रकृति संतुलन कैसे लाएगी? तो बाढ़, सुखाड़, सुनामी, कोरोना, मार्स, डेंगू, चिकनगुनिया, चकमकी, ये सारे औजार हैं प्रकृति के। तो प्रकृति अपना यूज करेगी, और जिस तरह जिस समय यह बैलेंस हो जाएगा सब आपदा समाप्त है। बैलेंस होने में महीना दो महीना देरी है, लेकिन होगा, निश्चिंत रहिए। अब एक कवि के नजर से इस प्रकृति के लिए आम पाठकों के बीच कैसी प्रस्तुति रहेगी? इसलिए मैं तो लोगों को कहना चाहूंगा कि हे हो नहीं बिगाड़ो बिगड़ी जेथो। अच्छा। नहीं बिगाड़ो बिगड़ी जेथो, नहीं उजाड़ो उजड़ी जेथो। अरे दोसरा के बनलो घर मिघारबू तोरो अपने मिगड़ी जेथो। क्या बात है अद्भुत। अरे कहूं से अयलो छो, कहूं तो जेबे, कहूं से अयलो छो, कहूं तो जेबे, जेने करने छो वहने पैबे, एक बात तो गिरो बनी ले, जेने रूप भे वहने काट भे। क्या बात। दोसरा के लेली खानभो खद्धा,
दूसरा के लेली खन भू खद्धा, पहने तोरे टेंगरी टूटतौ, नहीं बिगाड़ बिगड़ी जैतौ, नहीं उजाड़ उजड़ी जैतौ, दूसरा के बनल घर में घर वो तोरो अपने बिगड़ी जैतौ। तो अभी अच्छा, और अब हम दूसरे तरफ लेकर चलेंगे, बहुत ही आनंदमय ये एपिसोड है, और हम और चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि अलग अलग विषयों पर चल रहा है। अच्छा एक चीज़ और, अपने जो अंग क्षेत्र का धरोहर है इस पर मतवाला जी, हमको जहाँ तक हम लोगों को भी लग रहा है और आम पाठक के भी दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि सरकार का भी विशेष ध्यान नहीं है अंग क्षेत्र के धरोहर को, जबकि अंग क्षेत्र में क्या नहीं है, इसका इसका अतीत एक समय से जुड़ा हुआ है, किसी भी काल में आप देखें तो अंग क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, आज भी गंगा नदी लग रहा है कि पता नहीं क्या होना है, तो अंग क्षेत्र पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और ना ही सरकार के साथ जो मतलब जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं उनका भी पहले वादा रहता है, चुनाव के समय बहुत वादा रहता है, वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो गंगा नदी है, ये है, वो है, दिस है, डेट है। सती बिहला को चल को लेकर हमारा नौगछिया क्षेत्र, हमारा भागलपुर जिला पूरा विश्व विख्यात रहा। देखिए जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं वो उनकी ये जवाबदेही है कि उनको अपने क्षेत्र पे गुमान होना चाहिए। क्या बात, कि मैं अंग क्षेत्र का हूँ, मैं भागलपुर का हूँ, मैं कर्णगढ़ का हूँ, कर्ण की यह धरती है। लेकिन आज के जो इसमें तो मैं एक तरह से और कहना चाहूँगा, सिर्फ जनप्रतिनिधि को क्यों, जनप्रतिनिधि को के सिर्फ दोष देने से नहीं, दोष हमारा आपका है जी, दोष हमारा आपका है। इसमें एक प्रसंग में सुनाना चाहूंगा कि एक मिनिस्टर है बहुत घुसखोर, और वो जो जिस क्षेत्र के एमएलए हैं उस क्षेत्र के बहुत से लोग जनता वोटर्स जो हैं उनके वो जाते हैं और मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं और कहते हैं निकला, मिनिस्टर निकलते हैं तो मिनिस्टर पूछते हैं कि क्या बात है, तब ये लोग जो जनता है आम जनता वो कहती है कि ये ने किया वो ने किया, सारे पैसे आपने खा लिए, सारे एजेंसी यू कर लिए वो कर लिए, आप यही कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा उकता दिया जाता है मिनिस्टर को तब मिनिस्टर क्या कहता है सो सुनिए, और ये हकीकत है, इस पर लगाम नहीं लगाइएगा तब तक आप कुछ नहीं सुधार सकते। तो मिनिस्टर क्या कहता है सो सुनिए, ए युवक सुनो युवक, चुनाव में हम लोग वोट मांगते कम खरीदते ज्यादा है, चुनाव में हम लोग वोट मांगते कम खरीदते ज्यादा है, जाति का मर्डर जाति की कीमत लेता है, गांव का मुखिया ग्रामीण गुट की कीमत लेता है, परिवार का अगुवा अपने पारिवारिक सदस्यों की कीमत लेता है। अब ये तुम ही बताओ कि जब कीमत भी तुम्हें चाहिए तो सार्वजनिक उत्थान के सपने क्यों देखते हो, तुम बिकते हो हम खरीदते हैं, जब तक बिकते रहोगे हम खरीदते रहेंगे। तो भैया एक ही आग्रह मेरा कि हम और आप बिकना छोड़े, बिकना छोड़े, और उस व्यक्ति को चुन के भेजे जिनमें हमारी आशा हमारी सद्भावना बनी रहे और हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके सिवा और कहीं कुछ नहीं। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया, अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है
दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177, 9934855177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल।